नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आर्टिस्ट मनोहर कलमकर और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा चैनल मनोहर कलमकर ट्रैवल्स एंड आर्ट्स। दोस्तों कैसे, मज़े में ना, और मज़े भी होने भी चाहिए। तो चलो दोस्तों, पिछली बार हमने आपको मटेरियल कैसा बनाते हैं, फाइबर का मटेरियल कैसा बनाते हैं, इसका पूरा वीडियो मैंने आपको डाला था, मेरे चैनल में पूरा वीडियो डाला था। फिर भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि फाइबर का, जीपी रेजिन का, कोबाल्ट का, फ्रेंच ऑक पाउडर का मटेरियल कैसा बनाते हैं, मिश्रण कैसा बनाते हैं। ठीक है, तो कोई भी फाइबर की मूर्ति बनानी हो तो जीपी रेजिन, कोबाल्ट और फ्रेंच ऑक पाउडर, इसका मिश्रण सबसे पहले बनाते हैं। उसके अंदर हार्डनर नहीं डालते हैं। जब मिश्रण आप बनाते हैं तब उसके अंदर ये जो हार्डनर है ये नहीं डाला जाता है। ये हार्डनर बाद में डाला जाता है, जब आप कास्टिंग करने जाते हो तब हार्डनर ये डाला जाता है। मैंने इसलिए रखा है ये कि ये चार चीज़ें लगती है एक मूर्ति बनाने के लिए। ठीक है, फाइबर की मूर्ति बनाने के लिए ये चार चीज़ें लगती है, रेजिन लगता है, कोबाल्ट लगता है, फ्रेंच ऑक पाउडर लगती है और हार्डनर। अभी अपने को हार्डनर नहीं लगेगा, मिश्रण बनाने के लिए हार्डनर की ज़रूरत नहीं, वो कास्टिंग के लिए होता है। ये हार्डनर है ना, कास्टिंग के लिए यूज़ होता है। तो अभी इसको फ़िलहाल अपन बाजू में रखते हैं, ओके। अब ये तीन चीज़ें बची है, ये तीनों का सबसे पहले अपन मिश्रण बना के लेंगे। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, मेरे कमेंट्स में लिखते हैं कि मिश्रण जब आपने बनाया तो उसके अंदर हार्डनर क्यों नहीं डाला। अरे अरे भाई साहब, मिश्रण के अंदर जब आप मिश्रण बनाते हैं, बहुत सारा मिश्रण बना के रखते हैं ना, तो एक स्टॉक के लिए अपन बना के रखते हैं ताकि अपने को जब कास्टिंग करना हो तो कम ना पड़े। इसलिए बहुत सारा अपन मिश्रण एक अलग से बना के रखते हैं, तो उस मिश्रण के अंदर डायरेक्ट हार्डनर नहीं डालना है। बार बार मैं बता रहा हूँ कि उसके अंदर हार्डनर मत डालो, नहीं तो इतना सारा, अगर आपने बाय चांस उसके अंदर हार्डनर भी मिला लिया तो इतना सारा समझो 10 किलो या 5 किलो का आपने मिश्रण बनाया तो पूरा के पूरा वो सूख जाएगा, बेकार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना जो आप कॉमेंट्स में लिखते सर आपने इसके अंदर हार्डनर क्यों नहीं डाला। अरे उसके अंदर हार्डनर नहीं डाला जाता है, हार्डनर कास्टिंग करने के टाइम पर डाला जाता है। ओके, ये बात समझ में रखना, बराबर ध्यान में रखना कि हार्डनर उसके अंदर डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है। खाली ये तीनों का मिश्रण पहले बना के ले लो, उसके बाद उसके अंदर जब आप कास्टिंग करने जाओगे तो उसमें से थोड़ा थोड़ा मिश्रण के अंदर से थोड़ा थोड़ा डिब्बे में, एक छोटे डिब्बे में ले लो मिश्रण, उसके अंदर जितना आपको चाहिए उतना हार्डनर डालो। 3%, 5%, 4%, 6% जितना डालना है, 6% ये परसेंट वाला समझ में नहीं आया तो ये मेल डालो। ठीक है, 3 ml डालो, 4 ml डालो, 5 ml डालो, 6 ml डालो, उससे ज़्यादा मत डालना। कुछ ज़्यादा अगर आपने मटेरियल है तो ज़्यादा डालना है। अगर 1.5 किलो लिया है, 250 ग्राम लिया है तो 3-4 ml बहुत हो गया। ओके, तो डायरेक्ट कभी भी ये मिश्रण के अंदर हार्डनर नहीं डालना, ये ध्यान में रखना। कभी भी बार बार सवाल मत पूछना कि सर आपने हार्डनर क्यों नहीं डाला। बहुत सारे लोग को समझ में भी नहीं आता है भाई ये मिश्रण बना रहा हूँ मैं, और मिश्रण के अंदर कभी भी डायरेक्ट हार्डनर नहीं डाला जाता है। ओके, तो अभी ये जीपी रेजिन, कोबाल्ट और ये फ्रेंच ऑक पाउडर, ये देखिए एकदम सफ़ेद है। ओके, अभी ये तीनों का अपन सबसे पहले मिश्रण बना के लेते हैं, तो उसका प्रोसीजर अपन अभी शुरू करते हैं। चलो अभी शुरुआत करते हैं। तो चलो दोस्तों, अभी मिश्रण बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, अभी शुरुआत करते हैं मिश्रण बनने के लिए। देखो ये सबसे पहले खाली डब्बा लेंगे, इसके अंदर देखो कुछ भी नहीं है, ये खाली चम्मच है हिलाने के लिए, पूरा डब्बा खाली है। अभी इसके अंदर अपन जीपी रेजिन डालेंगे। ठीक है, इसके अंदर अपन ये जीपी रेजिन डालेंगे। ओके, अब ये डाल के बाद में उसके अंदर अपन कोबाल्ट भी डालेंगे। तो सबसे पहले अपन जीपी रेजिन डाल के लेते हैं। ये देखो मैं जीपी रेजिन डाल रहा हूँ। मैंने 2 किलो लिया है जीपी रेजिन लगभग। ओके, 2 किलो मैंने जीपी रेजिन लिया है। मैं छोटे लेवल पे दिखा रहा हूँ, बड़े लेवल पे भी आप मिश्रण बना सकते हैं। छोटे लेवल पे थोड़ा दिखाने से अच्छा रहता है, लोगों को जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो अभी 2 किलो लिया है मैंने, ये देखिए
है ना, 2 किलो जीपी रिजन लिए। अभी इसके अंदर अपन क्या करेंगे मालूम है, इसके अंदर ये कोबाल्ट डालेंगे इसके अंदर। कोबाल्ट के बिना मिश्रण अधूरा है, और जब आप कास्टिंग करेंगे तो कोबाल्ट नहीं रहेगा तो मूर्ति कड़क नहीं बनेगी, ओके, जल्दी सूखेगी नहीं। तो अभी 2 किलो रेजिन में कोबाल्ट कितना डालना चाहिए, 12 ml डाल दो या 15 ml डाल दो, उससे ज़्यादा नहीं, ओके। मैंने 12 ml कोबाल्ट डाल दिया है। चलो अभी इसको ये देखो इसके अंदर डाल दिया है ना, अभी इसको बराबर मिक्स कर देते हैं। जब तक ये पूरा मिक्स नहीं होता है तब तक हिलाना चाहिए, पूरा मिक्स कर देना चाहिए। पहला भी उसके अंदर थोड़ा पाउडर था, ज़्यादा नहीं, 100 ग्राम या 200 ग्राम तक रहेगा, पुराना जो मिश्रण था उसका थोड़ा सा अंदर बचा हुआ था, इसलिए थोड़ा ये सफ़ेद दिख रहा है, ओके। नहीं तो ज़्यादातर ये रेजिन ही है, रेजिन और कोबाल्ट है। अभी ये अपना 2 किलो का मिश्रण बन रहा है अभी, तो चलो अभी ये कोबाल्ट मिक्स हो गया, अभी डालते हैं इसके अंदर पाउडर, ओके, फ्रेंच चॉक पाउडर। ATS पाउडर इसके अंदर यूज़ नहीं करना है, GP रेजिन के लिए ATS पाउडर यूज़ नहीं होता है। ATS पाउडर CC रेजिन के लिए यूज होता है, CC रेजिन यानी क्लियर कास्ट रेजिन, वो मार्बल पाउडर उसके लिए यूज़ होता है, और GP रेजिन के लिए फ्रेंच चॉक पाउडर यूज़ होती है, ये ध्यान में रखना कभी भी, ओके। तो अपन लोग अभी क्या करेंगे, इसके अंदर पाउडर डालेंगे। अभी पाउडर कितना डालेंगे, 2 किलो तो मैंने रेजिन लिया है GP रेजिन, तो 2 किलो के अंदर कम से कम है ना 1.5 किलो पाउडर डालना ही चाहिए, तभी ये बराबर प्रॉपर गाढ़ा हो जाएगा, ओके। तो चलो पाउडर डालते हैं। अभी मैं अभी फ्रेंच चॉक पाउडर ले रहा हूँ, तो मैंने मात्रा आपको बता दी, 2 किलो रेजिन में फ्रेंच चॉक पाउडर कितना डालना चाहिए, ओके। तभी ये मेरा छोटा डब्बा है, आपको अंदाज़ा नहीं आएगा, लेकिन मैंने रेशो तो आपको बता दिया है, उसी हिसाब से आप मिश्रण बना लो। एक किलो डाल दिया, पाव किलो और दूसरा पाव किलो हो गया, 1.5 किलो पाउडर अभी मैंने इसके अंदर डाल दिए। अभी ये बराबर घोल घोल के एकदम मिश्रण एकदम एकजीव कर दो, एकदम बराबर मिक्स कर दो, अंदर कोई गांठ नहीं रहना चाहिए। और ये पूरा मिक्स होने के बाद अपन इसके अंदर पिगमेंट डालेंगे, वाइट पिगमेंट। अगर किसी को कलर वाला मांगता है तो कलर वाला डाल सकते हैं, रेड ऑक्साइड आता है, ब्लैक आता है, ब्लू आता है, येलो आता है, वाइट भी आता है, तो जिसको जैसा कलर चाहिए वो पिगमेंट यूज़ कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। पिगमेंट कलर के लिए यूज़ होता है, बाकी कुछ काम के लिए नहीं यूज होता है। बहुत सारे लोग मैंने पूछते हैं मेरे को कि सर पिगमेंट का क्या काम है। अरे भाई पिगमेंट ये खाली कलर, आपका मूर्ति को कलर, डायरेक्ट कलर देने के लिए वो काम आता है। ऊपर से कलर अगर आपको नहीं मारना है, मूर्ति बनने के बाद अगर आपको ऊपर से कलर नहीं मारना है, तो डायरेक्ट आप ये मिश्रण के अंदर जो भी पिगमेंट कलर वाला है वो डाल दो, उसी कलर का मूर्ति बनेगा कास्टिंग करेंगे तब, ठीक है।
तो देखो अपना मिश्रण एकदम परफेक्ट बन गया। अगर इससे भी थोड़ा गाढ़ा और चाहिए, ठीक है, इससे भी थोड़ा और गाढ़ा चाहिए तो और आधा किलो या पाव किलो डाल दो, ठीक है, या 300 ग्राम डाल दो, 400 ग्राम डाल दो, आपके हिसाब से आप डाल दो कितना आपको गाढ़ा चाहिए। जनरली ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और एक ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, उसके दोनों के बीच में होना चाहिए मिश्रण, तब आपका मूर्ति एकदम परफेक्ट बनेगा। ओके, तो मैं ये तब तक ये अंदर की जितनी भी गाट है ना वो हिला हिला के तोड़ देता हूँ। ओके, अभी फ़िलहाल ये मैं छोटे लेवल पे कर रहा हूँ मिश्रण, अगर बड़े लेवल पे करना है तो आप हाथ से नहीं कर सकते, हाथ से कितना भी आप ऐसा घुमाएंगे तो घूमेगा नहीं, तो उसके लिए ग्राइंडर आपको यूज़ करना पड़ेगा, ग्राइंडर मशीन होती है ना घुमाने वाली, तो इसके अंदर ऐसा डाल के वो अपने आप ऐसे घूमेगी, हाँ, तो वो ग्राइंडर मशीन का आपको उपयोग करना पड़ेगा। अभी छोटे लेवल पे जितना भी 2 किलो 5 किलो 4 किलो जितना भी रहेगा वो आप हाथ से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, देखो अभी ये मिश्रण पूरा एकजीव हो गया है ना, अभी इसके अंदर अपन डालेंगे पिगमेंट, मैं तो वाइट पिगमेंट यूज़ करूँगा। ओके, तो ये देखिए ये वाइट पिगमेंट है, पूरा एकदम वाइट है। अभी फ़िलहाल अपना मिश्रण देखो कौन सा कलर का है ना, वाइट देखो, ये पिगमेंट देखो और ये मिश्रण देखो, कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंस है। ये ऐसा क्यों हो गया मालूम है, ये अपना मिश्रण ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर है ना कोबाल्ट है, और कोबाल्ट आप जितना भी वाइट का पाउडर उपयोग करो, जितना भी वाइट पाउडर का उपयोग करो, फिर भी वो कोबाल्ट है ना एक ग्रे कलर का कलर तैयार करता है, ठीक है, ये कोबाल्ट डालने से ग्रे कलर तैयार होता है रेजिन के अंदर। तो ये ग्रे कलर अगर आपको मिटाना है और पूरा सोबर वाइट आपको बनाना है तो उसके लिए ये पिगमेंट का उपयोग करना है। ओके, आप पिगमेंट येलो भी यूज़ कर सकते हो, ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, वाइट भी यूज़ कर सकते हो, रेड भी यूज़ कर सकते हो, और दूसरा जो भी चाहिए वो ब्लू भी आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं ये वाइट वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका उपयोग मैं अभी करूँगा। इसको ज़्यादा नहीं डालना है, अभी 2 किलो के अंदर अपने को ज़्यादा पिगमेंट डालने की ज़रूरत नहीं, 50 ग्राम डालेंगे तो भी ये पूरा सफ़ेद हो जाएगा। देखो मैं डाल रहा हूँ है ना, बहुत हो गया, ये 50 ग्राम मैंने डाल दिया, अभी इससे देखो कलर कैसा आएगा। अभी जो ग्रे कलर का टोन आया है ना, तो अभी ये पिगमेंट मिक्स होने के बाद पूरा कलर चेंज हो जाएगा और पूरा वाइट बन जाएगा अपना ये मिश्रण। ओके, तो दोस्तों मिश्रण ऐसा बनाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई बड़ी बात नहीं मिश्रण बनने के लिए। अभी इसको हिलाते हैं, देखो धीरे धीरे कलर चेंज होने लगा है, ग्रे कलर ख़त्म हो गया, अभी हो गया पूरा वाइट, अपना मिश्रण एकदम वाइट हो गया। ये चमत्कार होता है पिगमेंट का, हाँ, तो ये ध्यान में रखना कि पिगमेंट किस काम के लिए आता है, पिगमेंट आता है अपना मटेरियल कलरफुल बनाने के लिए। ये देखो वाइट हो गया ना, पहला ग्रे कलर का था, अभी कैसा हो गया, एकदम वाइट, हाँ। अभी इससे अपन मूर्ति जब बनाएंगे ना तो बनेगी एकदम वाइट मूर्ति बनेगी। ओके, ये देखो पूरा वाइट मिश्रण तैयार हो गया। तो दोस्तों देखो अपना ये पूरा मिश्रण अभी रेडी हो गया है, इसमें कोई गाढ़ भी नहीं बची है, एकदम पूरा एक लेवल जैसा मिश्रण हो गया, जैसा ग्राइंडर मशीन अपन घुमाते हैं ना और एकदम बराबर मिक्स होता है उसी टाइप का ये अपना मिश्रण तैयार हो गया है। तो दोस्तों इसी टाइप का अगर आप मिश्रण बनाते हैं तो अपना भी
और आपका भी जैसा मेरा बन गया वैसा आपका भी मिश्रण एकदम परफेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, और आप भी सेम ऐसा ही मिश्रण बना लो, इसके अंदर हार्डनर नहीं डालना है, ये ध्यान में रखना, ये सबसे मेन जरूरी बात बार बार मैं कह रहा हूँ। इसके अंदर कोई भी अपन जब मिश्रण बनाते हैं, अभी ये 2 किलो के अंदर अगर मैंने हार्डनर डाल दिया, अगर इसके अंदर पूरा हार्डनर डाल दिया मैंने, तो ये बेकार हो गया, मतलब ये 2 किलो का पूरा मिश्रण तुरंत सूख जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हार्डनर यूज़ नहीं करना है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा आप इसके अंदर से बाजू में ले लो, छोटे डिब्बे में ले लो, उसके अंदर हार्डनर डालो और अपने कास्टिंग शुरुआत करो, ठीक है। तो चलो इसी के साथ वीडियो इधर ख़त्म करते हैं और आपकी विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपका दिन बहुत अच्छे निकल जाए, आप हमेशा खुश रहें, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, और आपका धंधे का लेवल दिन ब दिन बढ़ता जाए, यही भगवान से प्रार्थना करते और आपसे रजा लेते। चलो जय हिंद।